तो गाइज आप मोनू की बाइक का कलेक्शन देख सकते हैं, ड्यूक 250 ZX10। हे गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं जा रहा हूँ अभी नवील भाई को लेने भोपाल स्टेशन, क्योंकि अभी नवील भाई आ चुके हैं भोपाल 2-3 दिन के लिए। तो अभी अपन भोपाल स्टेशन चलते हैं और नवील भाई को लेके आते हैं। तो गाइज स्टेशन के लिए तो निकल चुके हैं और अभी बाहर तो बहुत सर्दी हो रही है, मुझे शुद्ध मतलब कुछ पहन लेना चाहिए था, पता नहीं था कि बाहर का मौसम जो है इतना ठंडा हो रहा है। पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस बार सर्दियाँ जो है बहुत ही तेज मतलब बहुत खतरनाक पड़ने वाली है। गाइस भोपाल स्टेशन तो पहुंच गए हैं और अब अपन नवील भाई का वेट कर लेते हैं, देखते हैं कब तक आएंगे। ये रहा भोपाल स्टेशन जो कि अब नया कंस्ट्रक्ट हो चुका है और बहुत ही जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब एक एयरपोर्ट जैसी वाइब दे रहा है। तो गाइस हमारे नवील भाई भी जो है आ चुके हैं फुल गेटअप में अपने। नवील भाई कैसा रहा सफर? ये ईयरफोन अच्छे है तो एप्पल वाले। तो चलिए गाइस चलते हैं अपन। तो गाइस घर तो वापस आ गए थे और अब हम करेंगे सुबह का ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में है आज टोस्टेड ब्रेड एंड चाय। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर ये फिल्टर टेढ़ा हो गया, वो क्या हुआ इसको फिक्स करने के थे ना, तो दो तो लगे हुए पर दो कहीं घूम गए, वो पानी के अंदर है। अब मैं कल ढूंढ रहा था पर मिल नहीं रहे थे, पर सुबह जब मैं उल्टा तो यहाँ भाई आए कि नहीं फिल्टर क्यों क्या हुआ है, तो मैंने देखा तो ये फिल्टर ही टेढ़ा हो गया। कैसा लग रहा है यार। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है दिन के 2 और अब हो गए दिन के खाने का टाइम। तो खाने में आज है हमारी फेवरेट मटन बिरयानी, तो अपन जल्दी से मटन बिरयानी खा लेते हैं और देखते हैं कि आज क्या करेंगे, क्योंकि नवील भाई जो है आ चुके हैं और वो बस मतलब ज्यादा दिन के लिए नहीं आए, किसी काम से आए, तो देखते हैं कि उनके साथ अब क्या प्लान होगा। तो गाइज हमारी बिरयानी जो है खाने के लिए रेडी है, तो अपन जल्दी से टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इज द टेस्ट। इट इज वेरी गुड गाइज, इतना खाने लगा हूँ कहीं मैं फूड ब्लॉगर तो नहीं। बैड जोक गाइस। तो गाइस यहाँ पर मछलियां पता नहीं इस साइड ही घूम रही हैं और यहीं घूम रही है पता नहीं, और ये फिल्टर भी टेढ़ा ताड़ा पता नहीं क्या हो रहा है। बैल बज गई, कौन आया? अरे राहिल भाई आ गए स्कूल से। राहिल भाई आज एक मेहमान आए हुए अपने घर। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें पता कैसे चला? अम्मा ने बता दिया था। अरे यार हम तुम्हारे साथ हाँ प्रैंक करने वाले थे पर अम्मा ने तुम्हें बता ही दिया। अरे यार छी छी गंदी बदबू गंदी साले। ये हमारे एक और, अरे रुको तो हाय तो बोल दिया करो तुम तो सीधा छोटे मोटे। अरे नहीं नहीं गजब बेइज्जती है, आई क्यों नहीं लगाते? काय के बड़े आदमी हो बे, हैं? ₹100 तो निकलते नहीं है जेब से बड़े आदमी। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। चलो पर सेकंड में ₹1000 ₹1000 तुम जैसों को मैं ₹2 ना दूं? अरे बाथरूम से तो बाहर निकलने दो उनको यार, वो धीरे बात करो, अभी पापा बात कर रहे हैं, वो देखो साया अम्मा को बुला रहे हैं, हमारे अब्बा साया बोलते हैं अम्मा को। तो गाइज अभी मैं और मोनू बात कर रहे थे पुराने गेम्स की, तो हम लोग ने अभी बहुत मतलब वन ऑफ द फेवरेट गेम डाउनलोड अभी करा है जो कि ओजी गेम्स में बेस्ट है, तो अभी हम लोग खेल रहे हैं पर GTA वाइस सिटी। तो अब अपन बाहर चलते हैं, यहाँ पर अब हम फर्स्ट वाला मिशन करेंगे, तो हमको L पे जाना पड़ेगा, ये गाड़ी लेंगे अपन। अबे गाड़ी अपने आप जाने लगी। तो गाइज यहाँ पर हम गाड़ी पे बैठ चुके हैं ऑटो पायलट, ये आजकल पता नहीं क्या बग हो रहा है, थोड़ी मतलब रिवर्स लेने में गाड़ी दिक्कत कर रही है, वही कभी कभी होता है। तो फिलहाल तो अभी अपन L पे चलते हैं और मिशन कंप्लीट करते हैं GTA Vice City, इसमें सबसे मुश्किल मिशन वो होता है मतलब वो हेलीकॉप्टर जिसमें पूरी बिल्डिंग उड़ानी पड़ती है, सबसे डिफिकल्ट। मेरे ख्याल से GTA 5 में भी इतने डिफिकल्ट मिशन नहीं होगा जितना इसमें था, वो बिल्डिंग उड़ाने वाला खतरनाक मिशन भाई साहब। तो गाइस फाइनली जो है हम वो हेलीकॉप्टर वाला मिशन करने वाले, तो जल्दी का बर्थडे है अपने भाई का, बर्थडे है भाई का, बर्थडे भाई का, बर्थडे भाई का बर्थडे है, थोड़ा सा पीछे लो, यस बंद कर दो। तो गाइस फाइनली जो है हमने मिशन कंप्लीट कर दिया, ये $1000 मिल गए गाइस, तो सबसे मुश्किल जो है मिशन कंप्लीट हो चुका और बिल्डिंग की जो है आप देख सकते हैं वाट यहाँ पर डल चुकी है, देखिए आप
केसी हो रही है बिल्डिंग अभी, अबे कहाँ गई अबे बिल्डिंग कहाँ गई, हाँ ये रही गाइस देखी पूरी बिल्डिंग अपन ने जो है तवा कर दी, मजा आ गया। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5:45 और रायल भाई के ट्यूशन का टाइम हो गया जो कि 6 बजे, और आप रायल भाई को देख सकते हैं ये गैंगस्टर बन के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जैकेट दिखा तो जरा अच्छे से, पता नहीं कहाँ की फटी फूटी जैकेट पहन रहा हो, पूरा गंदा सा लगा हुआ है। ये ट्यूशन पहन के आओगे? यस। इतनी गंदी लग रही है, पढ़ने जा रहा हो या रावड़ी हीरो बनने जा रहा हो? रावड़ी हीरो नहीं तो हमें ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र? अरे जा बे ब्रह्मास्त्र। जैकेट की चेन तो लगा के बताओ सर। सलमान भाई सल्लू भाई बन के आ रहा हो तुम तो? देखना पैंट की बटन लगा या नहीं, बटन लगा है, सब लगा है, चेन वेन चेक कर लू। हाँ ऐसी खुली अच्छी लग रही है, लेकिन अभी नहीं पहनो, ये गंदी हो रही है पूरी। देखो सलमान खान की तरह चल के बता, अकड़ में एकदम बस ये, अरे बस भाई बस। तो गाइस यहाँ पर अभी छोटा सा सलमान खान जो है चल के आना, आओ चल के। अरे जिस भी गली में जाऊं भीड़ लग जाए, मेरे घर का पता बच्चा बच्चा जानता। तो गाइस अभी 6 बजे और रायल भाई के ट्यूशन जाने का टाइम आ गया है, तो मैं रायल भाई को ट्यूशन छोड़े आता हूँ और फिर देखते क्या करेंगे। तो गाइस अभी मैं और मोनू जा रहे हैं मोनू की बाइक पे नंबर प्लेट लगवाने, इनके आधे काम तो ऐसे ही रह जाते हैं, मतलब ये मेरे बिना आजकल जाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों भाई मेरे बिना क्यों नहीं आते है? मेरे बिना जी सा ना सकूं। तो गाइस गाड़ी जो है यहाँ पर अभी हम गरम कर रहे हैं, इससे पता चलता है इसकी जो है एक बत्ती ऊपर हो जाए तो गाड़ी जो है गरम हो जाएगी, देन वी विल गेयर डाउन टू फर्स्ट गियर एंड देन वी विल मूव टू आवर डेस्टिनेशन। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं एमटी ग्राफिक्स और यहाँ पर नंबर प्लेट जो है अभी लग जाएगी यहाँ पर। ये क्या देख रहा भाई है? नट देख रहे हैं गाइस, नंबर प्लेट के जो लगाने के लिए नट स्क्रू व्रू चाहिए, और बाकी यहाँ पर सुपर बाइक भी खड़ी हुई है ZX10R और ये शायद R6 से पता नहीं, यहाँ पर हार्ली डेविडसन भी खड़ी है। ला नट दो नट। तो गाइज आप मोनू की बाइक का कलेक्शन देख सकते हैं, ड्यूक 250, ZX10R और R6, वहाँ पर दो दो हार्ली डेविडसन, वहाँ पर हायाबूसा और अंदर भी हार्ली डेविडसन है, और यहाँ पर नंबर प्लेट लगा रहे हैं मोनू भाई। तुम लगाओगे? खुद लगाओगे? अच्छा अच्छा भाई, मुझे तो लगा जिस तरीके से तुम स्क्रू निकाल रहा हो वो सब तुम लगाओगे। तो यहाँ पर हमारी नंबर प्लेट भी जो है लग चुकी है, तो अब नंबर प्लेट जब लग जाएगी तो गाड़ी और अच्छी लगने वाली है। देख मैंने पहले ही बोला था आपसे लोग अच्छा आएगा, वो हटवा दो स्टॉक वाला है, मेरी बात पहली मान लिया करो भाई। मैं जो बातें बोलता हूँ ना वो बहुत कम लोगों को मैं रेफर करता हूँ, वो चीज़ें आप मेरे खास हैं इसलिए मैंने आपसे बोला था, समझ गए आप? देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है गाड़ी, ड्यूक 250, इतनी सारी सुपर बाइक खड़ी लेकिन अपनी भी कोई कम नहीं लग रही, तो स्पोर्ट बाइक ही भाई। अरे तो फिर भी भाई समझ रहा इनके आगे कैसी लग रही है। तो गाइस नंबर प्लेट लग चुकी थी और अभी यहाँ पर बाइक धुलवाने भी आ गए, तो जल्दी से धुल जाए और फिर चलते हैं घर वापस। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही सीरियस मूड में है मोनू, और मैं यहाँ पर मोनू की जो उंगली कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, ओह माय गॉड, 1 घंटे से यही बोल रहा है बेचारा मोनू, और यहाँ पर ये फिर से ब्लैक फिल्म चढ़ा रहा है, लेकिन इस बार जो है ब्लैक फिल्म डार्क वाली चलवा रहा है। क्या है भाई, क्यों इतना गुस्सा कर रहा हो यार भाई? यार भाई ये जुल्फे जरा इसको, अरे यार परेशान कर दे, तुम परेशान क्यों होते हो यार भाई? चिल ब्रो चिल, काम है भाई, चिल ब्रो चिल ब्रो चिल। तो गाइज अभी मैं और मोनू खड़े हैं मोनू के घर की गैलरी में, और यहाँ से देखिए कितना ब्यूटीफुल जो है व्यू जा रहा है, और वहाँ पर अभी जा रहा है एरोप्लेन, देख सकते हैं आप लाइटिंग उसकी, और यहाँ ऊपर से देखने में बड़ा थोड़ी सी घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से गिर गए और एक आध गाड़ी में जाके गिरे तो मोनू भाई उस गाड़ी का और अपना क्या होगा है? अगर तुम गिरोगे तो क्या होगा? गाड़ी तवा पूरी। और यहाँ पर मोनू का मिट्ठू भी बोल रहा है यस यू आर राइट। अंदर का है 5 साल पुराना है मिट्ठू, कुछ बोल दो मिट्ठू। ओ मिट्टू कुछ बोल ही नहीं रहा। तो गाइस घर तो वापस आ गए थे, तो या गाइस यही था आज के ब्लॉग में, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आपसे, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।